मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए फरियादियों को आश्वस्त किया कि उनके रहते किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, हर हाल में सबकी पीड़ा का निवारण कराया जाएगा, यह उनके सरकार की प्राथमिकता है। हर मामले में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी, जिन्हें इलाज की आवश्यकता है उनके मुकम्मल इलाज की व्यवस्था की जाएगी, इलाज में धन की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी, हर पीड़ित की समस्या का निस्तारण उसकी संतुष्टि के मुताबिक कराया जाएगा। सीएम योगी ने सोमवार को सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में करीब 400 लोगों की समस्याएं सुनी। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के सामने कुर्सियों पर बैठाए गए फरियादियों तक मुख्यमंत्री खुद गए। बड़े इत्मीनान से एक एक कर उन्होंने सभी लोगों की समस्याएं सुनी, उनके प्रार्थना पत्रों को अधिकारियों को जरूरी निर्देश के साथ संदर्भित किया और लोगों को आश्वस्त किया कि परेशान मत होइए, समस्या के समाधान के लिए त्वरित व प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस दौरान इलाज के लिए मदद की गुहार करने आई एक महिला से उन्होंने आयुष्मान कार्ड के बारे में पूछा, साथ ही अधिकारियों को निर्देशित किया कि इलाज के लिए एस्टीमेट की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूर्ण कर शासन में उपलब्ध कराया जाए, एस्टीमेट मिलते ही इलाज के लिए धन अवमुक्त हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया कि उक्त महिला समेत सभी जरूरतमंदों के आयुष्मान कार्ड बनवाए जाए। पुलिस व राजस्व से संबंधित मामलों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर मामले में समाधान जल्दी से हो, साथ ही कार्रवाई ऐसी हो कि फरियादियों को दोबारा परेशान ना होना पड़े। जनता दर्शन में कई जिलों से फरियादी पहुंचे थे। इस दौरान महिला फरियादियों के साथ आए उनके बच्चों को मुख्यमंत्री ने प्यार दुलार कर आशीर्वाद दिया। बच्चों को चॉकलेट देने के साथ ही उनकी माताओं को समझाया कि बच्चों को स्कूल जरूर भेजे, सरकार ने बच्चों की पढ़ाई से लेकर उनके बैग, कॉपी किताब, यूनिफॉर्म, जूता मोजा आदि की निःशुल्क व्यवस्था कर रखी है। फोन मार दिया, अरे आपने दे दिया, दोनों को ही बोलने तो इसे क्या उपचार करा रहे हैं? अरे उसको देख करके एस्टिमेट वगैरह बनवाओ। आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, कार्ड में नहीं है तो कार्ड बनवाओ, नहीं तो उसका सहयोग करो, एस्टिमेट बना के भेजो। हम समय बाबा साथ हमारी को सुन के चिंता। ये महाराजगंज का कार्रवाई करने के लिए घबराओ, आप बताएं क्या कार्रवाई करें? इस विभाग में